तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी में कैसे आप क्या कर सकते हैं। देखिए जेएनयू में ज्योग्राफी बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है, क्योंकि अब अगर जेएनयू में अगर ज्योग्राफी में एमफिल कर लिया, ओके एम एमफिल कर लिया, और अब उसके बाद आप पीएचडी बाहर में भी जा सकते हैं, वहाँ पर ही एक आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, लेकिन जेएनयू में एक मतलब एक उसका लिए एक एनवायरनमेंट है, उस वहाँ से आप जा सकते हैं बाहर में इजीली, ठीक है। मेरा जो एक सीनियर था तो वो अभी बाहर में जा रहा है, अमेरिका चल रहा है ज्योग्राफी पढ़ के अमेरिका जा रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ तो नहीं जानते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ के हम बाहर जा सकते हैं, और बाहर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जा सकते हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और जर्मनी का यूनिवर्सिटी, म्यूनिक यूनिवर्सिटी, और अदर यूनिवर्सिटी, तो ये ज्योग्राफी पढ़ के जा सकते हैं आप, जेएनयू से जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे नहीं पता है बहुत सी कैंडिडेट को, तो इसीलिए मैं इसके लिए मैं उसको उनको सिंपल करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप जेएनयू में क्रैक करिए, और जेएनयू में क्रैक करने के लिए आपको बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेहनत जरूर है, बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के बिना आप नहीं जा सकते। और उसके बाद देखिए आप अगर जेएनयू में क्रैक कर लिए एमफिल और एमए क्रैक कर लिए, एमए के बाद आप जा सकते हैं क्या, एमफिल कर लिए वहाँ पर, एमफिल के बाद आप वहाँ पर रिसर्च पेपर वहाँ पर होते हैं जेएनयू में, तो जेएनयू में जो रिसर्च पेपर के बाद वो रिसर्च पेपर आप बाहर में भी दे सकते हैं, बाहर की कंट्री में, जर्मनी और अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस, जहाँ पर भी। और उसका मन्नत भी है, बहुत ही ज़्यादा हाई सिंसेरिटी रहता है, और उसका जो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक है। आप बाहर में जाके पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, थीके? और उसके बाद वहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं बाहर में, ठीक है, बाहर में पीएचडी भी हो कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई भी, ओके। तो ये जेएनयू एक अच्छे प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ऑल सब्जेक्ट के लिए बहुत ही हेल्प होता है, ऑल सब जो फ्यूचर स्टडी करना चाहते हैं, बहुत ही लंबी जानी मतलब हाई लेवल में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए जेएनयू बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और उसमें फ्यूचर आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। कोई भी देखिए कोई भी अगर यहाँ पर ज्योग्राफी करते हैं तो यहाँ पर वो थोड़ा सोचता है, ठीक है, कि उसका पीएचडी वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और उसके लिए वो हाई क्वालिटी वो बाहर जा पाएगा, विदेश जा पाएगा, फॉरेन में रिसर्च कर पाएगा क्या, वो पॉसिबल है। आप जेएनयू में जाइए, जेएनयू में आप बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है, रिसर्च करने के लिए, अगर आप सिंसियर पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा हाई फाई क्वालिटी का पर्सन यहाँ पर निकाला है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, और यहाँ पर देखिए ये चुरी और प्रकाश जयप्रकाश कारत, अभिजीत बनर्जी, सब निकाला है जेएनयू से, ठीक है। तो आप हार्डवर्क करिए, हार्डवर्क के बिना यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, और जियोग्राफी के लिए जो सिलेबस है और जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आते हैं उस बुक्स को पढ़िए, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक है, वो उसको पढ़ लीजिए, और मॉडल को थोड़ा सा जोड़ दीजिए, और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा जोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल जो एमए कर रहा है, और जो एमएससी जो एमफिल के लिए दे रहा है, तो वो भी थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन, और इस साल सुन रहा हूँ कि ऑल शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस साल जाकर शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है तो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान दीजिए, और उसके बाद वाइवा होगा, ठीक है, उसको 30 मार्क्स का 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, उसके बाद वाइवा होगा, ठीक है। उसके लिए आप तैयारी हो जाइए, करिए, और हार्ड वर्क करते रहिए, ओके। सो थैंक यू, हार्ड वर्क के बिना नहीं चलेगा बस।